80 लोग उनके मारे गए हैं। हमारे लोग भी 80% से ज्यादा लोग मरे गए हैं। आपके मारे हुए लोगों का वहाँ बहुत सारा फोटो है, आप देख लीजिए। बोल रहे AK-47 लेके आते हैं। AK-47 लेके हम लोग नहीं जाते, पीस के सॉलिडरिटी के वो लोग गए थे, हम लोग जाके नहीं खरीद सकते वहाँ पे, वो लोग तो वैली में आके खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? जो माइग्रेंट्स आते हैं फिर हम लोग के ऊपर जो वायलेंस करते हैं उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। हमारा दिमाग है कि हम अपने मणिपुर राज्य में जो पहले शांति से था वो शांति बनाए रखे। नमस्कार, मैं शिखा भी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। हमने आपको एक खबर दिखाया है मणिपुर किस तरीके से जल रहा है। तो समाज के लोग हैं कुकी और मैथी। आज से जो पहले हमने कवर किया था वो कुकी समाज के लोग थे जो SC ST में आते हैं, और ये जो अभी मेरे साथ मोहतरमा है ये मैथी समाज की है। आपको एक बार विजुअल दिखाएंगे कि आप चारों ओर देखेंगे कि मैथी समाज के लोग कितने यहाँ पे आए हुए हैं मणिपुर से। हालांकि इन लोगों की डिमांड है बीसी में और इन लोगों को SC ST का दर्जा चाहिए, और इसी बीच दोनों में मतभेद हुआ दोनों समाज में, और वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, किसकी गलती है, क्या है, नहीं है, वो तो हम नहीं जानते। हम इन मोहतरमा से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचिता शर्मा है। रुचिता शर्मा, ओके, हिंदू? हाँ। तो आप लोग बहुत पावरफुल है वहाँ पे, क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, अभी जो हो रहा है सिचुएशन अभी शांति बनाया हुआ है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमारे स्टेट में जाके 3 दिन का दौरा किया है, हर CSO के साथ, हर कुल के, हर जात के, उनके साथ हमारा बात हो गया है। इन्होंने मांगा है कि 15 दिन में हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और हम आशा करते हैं जो उन्होंने कहा है वो ही करेंगे। आप लोगों की क्या डिमांड? हमारा डिमांड है कि हम अपने मणिपुर राज्य में जो पहले शांति से था वो शांति बनाए रखे। तो शांति किसने भंग किया? शांति जो है अभी तो जो कुकी मिलिट्रेंस है उनकी वजह से हुआ है। तो इस मिलिटेंस को हम चाहते हैं कि मतलब जो हमारे देश में अनहोनी जो हो रहा है जो बाहर से आके, उनसे हमें सुरक्षा चाहिए। एक तो पीस बनाने में इन लोग का, जब तक इन लोग का वो नहीं होता, जब वायलेंस नहीं होगा तो हम तो पीस बनाए हुए हैं। हम मणिपुर हिंदू लोग तो पीस बनाए हुए हैं। जब कुकी वाले लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भी मैथिली समाज के हिंदू हैं और सारे जो सिस्टम है इनके सपोर्ट में है, तो फिर इनको क्या चाहिए? और आपके सपोर्ट में तो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं। आज तक जितना भी मणिपुर में जो लोग रह रहे, जो भी कम्युनिटी का लोग रह रहे थे, उन लोग के साथ हम लोग ने एक मतलब हम लोग ने पनाह दिया। तो उस पनाह को पनाह आपने दिया या संविधान ने दिया? पनाह हम लोग की मणिपुर के वासियों ने दिया। संविधान ने हक दिया है ना SC ST वालों को वहाँ रहने का? हाँ, वो तो हिंदुओं ने दिया है। तो आप क्यों ऐसा बोल रही है कि आपने उसे अधिकार दिया? देखिए, जब वो लोग आए थे हम लोग के यहाँ पे, जो पहले से हमारे पूर्वज जमाने से जो रह रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई मन मुताव नहीं है, कोई भी वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। जैसे कि हम लोग ने कहा कि जो भी है वो तो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को वायलेंस करके, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को SC ST में जाना है, हमें ये जो है हम लोग SC के डिमांड के वजह से नहीं है। ये जो रूट से आप देखा जाएगा तो ये SC मिलना या नहीं मिलना हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं आप लोग वायलेंस कर रहे हैं। नहीं, कौन किसको कैसे बताएंगे कि वो लोग कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? गवर्नमेंट भी आपके साथ, आपके पास ज़्यादा पावर है। नहीं, पावर तो सबके पास है। देखिए, मेरे बात सुनिए, गृह मंत्री जी ने हमें बोला है कि 15 दिन में हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन का वेट करते हैं हम अभी पीस बनाए हुए हैं हम अपने। 80 लोग उनके मारे गए हैं। हमारे लोग भी 80% से ज्यादा लोग मरे गए हैं। आपके मारे हुए लोगों का वहाँ बहुत सारा फोटो है, आप देख लीजिए। अच्छा, घर जला हुआ है, देख लीजिए। बोल रहे AK-47 लेके आते हैं। AK-47 लेके हम लोग नहीं जाते, पीस के सॉलिडरिटी के वो लोग गए थे। 3 तारीख को जो सॉलिडरिटी रैली निकाला गया है उसमें हम लोग मैथिली लोग का नहीं था, कुकी लोग का था, और उसमें AK-47 लेके वो लोग घूम रहे थे हम लोग में। अच्छा, अभी तक तो हम लोग ने कोई रैली निकाला भी नहीं, लेकिन उन लोग के लोग तो मारे गए हैं। हमारा भी तो लोग मारे गए हैं, हम गिनाएंगे तो अनगिनत होगा। अच्छा, हम गिनाएंगे तो अनगिनत होगा। तो दिक्कत क्या है?
वो लोग दूसरे देश के हैं क्या? कुछ लोग दूसरे देश से आके उन लोग को जो उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग से आग्रह करते हैं वो लोग शांति बना दे बस। उन लोगों को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं दूसरे देश के लोग, हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको तो आपके देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री है, हिंदू ही राष्ट्रपति है, सारे चीज तो प्रधानमंत्री है। उस चीज को लेके मत चलिए ना, हिंदू या मुसलमान या कोई भी जात हो, बात उसमें नहीं है। आप लोगों के पास तो ज्यादा पावर है, पावर सबके पास है। जो पब्लिक है उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग पब्लिक की वजह से आए हैं यहाँ। वैली एरिया में आप लोग रहते हैं, वो लोग हिल स्टेशन में रह, हिल एरिया में रहते हैं, है ना? वैली में भी बहुत लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं, वो लोग नहीं रहते हैं। हम लोग जाके नहीं खरीद सकते वहाँ पे, वो लोग तो वैली में आके खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? इस वजह से हो रहा है। दिक्कत क्या, कहाँ से ये जो आग लगना, घरे जलाना शुरू किया, किसने शुरू किया? शुरुआत हुआ है मोरे चुटामपुर साइड से, जो मिटई का जो जगह है उसमें उन लोग ने शुरू किया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं शांति बनाए रखे, जो हो गया उसको सुलझने के लिए जो गृहमंत्री जी ने हमें टाइम मांगा है तब तक दिया जाए। तब तक जिसके पास हथियार है हथियार सबमिट कर दीजिए, ताकि हमारा देश हमारा राज्य शांति बनाए रखे। बस जो गृह मंत्री हम लोग के लिए कर रहे हैं उस पर हम लोग बहुत आशा करते हैं कि जो भी उन्होंने कहा वो हमें करके देंगे। बस हम चाहते हैं कि हम सबसे आग्रह करते हैं कि हमें शांति बनाए रखें। आप लोग धरने पे क्यों आ रहे हैं जब गृह मंत्री वहाँ पे है, वहाँ पे जा रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो आप लोग विश्वास रखिए यहाँ आने की क्या जरूरत है? उनके जाने के बाद जो हादसा हुआ है वो बंद नहीं हो रहा था, इस वजह से अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा शांति है, वो शांति और शांति कायम रहे यही चाहते हैं। चलिए, दिखाया हमने आपको किस प्रकार से एक छोटा सा मामला बहुत बड़ा रूप ले चुका है। अब मणिपुर में लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अब सपा कानून वहाँ पे लगा हुआ था काफ़ी साल पहले से, लेकिन अमित शाह ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले कहा था कि अब मणिपुर या असम जो है शांत हो रहा है, अब डिस्टर्ब एरिया नहीं है, तो यहाँ से इस कानून को हटाएंगे। तो कई जगह से हटा दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, एक दूसरे के साथ मारपीट की है, लोग मारे गए हैं, 80 से ज़्यादा लोग उनके भी मारे गए हैं, और ये लोग दावे कर रहे हैं कि इनके भी लोग मारे गए हैं। हालांकि ये लोग आए, अमित शाह वहाँ पे दौरे पर हैं, अमित शाह ने कहा है कि 15 दिन का वक्त दीजिए, तब तक हम आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये लोग कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिनके पास AK-47 है, वो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि ये लोग उनके ऊपर जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं और उनके लोगों को मार रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको मैथिल समाज से लेके कुकी समाज के लोगों का आपको हमने दिखाया, दोनों ने अपना अपना तर्क रखा। आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या, कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच। एक बार और आप विजुअल्स देखिए कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं। और तमाम लोग यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और लोग यहाँ पे अपनी डिमांड कर रहे हैं। पूरी खबर पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।